नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। आज का नुस्खा जो मैं आपको बताने वाली हूँ, खास उन लोगों के लिए है जो लोग अपने दांतों के जिद्दी पीलेपन से बहुत ज्यादा परेशान हैं। वह उनके दांतों में सड़न पैदा होने लगी है या उनके दांतों से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है। जी हाँ दोस्तों, जब हम सभी जानते हैं शुरुआत में जब हमारे दांत पीले पड़ना शुरू होते हैं तब हम इन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब यह समस्या आगे बढ़ जाती है तो हमारे दांतों में धीरे धीरे सड़ान पैदा हो जाती है और हमारे दांतों से बदबू भी आने लगती है। जब हम किसी से बात करते हैं हमारे दांत में से बदबू आती है तो सामने वाले इंसान को भी अजीब लगता है, जिसकी वजह से हमें लोगों के बीच में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा तैयार करेंगे जिससे कि आप अपने दांतों की सड़ान को हमेशा के लिए मिटा सकेंगे। दोस्तों, ये जो नुस्खा है वो बच्चों से लेकर बड़े तक सब यूज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही कारगर होता है। साथ ही साथ जो लोग गुटखा खैनी का सेवन करते हैं, यह उनके लिए भी बहुत ज्यादा कारगर है, क्योंकि उनके दांत जो है अंदर से बहुत ज्यादा सड़ जाते हैं व उनके अंदर कीटाणु पनपने लगते हैं, जो कि आपके दांतों को अंदर ही अंदर गला देते हैं और आपकी दाढ़ में दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से आगे चल करके आपके दांत भी अपने आप टूटने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की और नुस्खे को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, कि आपको लेना होगा कुछ इस प्रकार से खाली कटोरी। खाली कटोरी में आपको करना क्या है कि आपको लेने होंगे चावल। चावल को आपको पीस करके आटे की तरह तैयार कर लेना है, यानी कि आपको चावल का आटा लेना है। दोस्तों, इस नुस्खे में हम 3 सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे। इस नुस्खे को पूरा अंत तक अवश्य देखें और बारीकी से समझें कि आपको इसको बनाना किस प्रकार से है। जी हां दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको 2.5 चम्मच जो है चावल के आटे की लेनी है। अब आपको इसके बाद करना क्या है दोस्तों, कि आपको इसके अंदर ऐड करना होगा थोड़ा सा गुलाब जल, यानी कि दोस्तों 2 से 3 चम्मच जो है हम गुलाब जल का पानी ऐड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना क्या है, पहले आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, यदि यह अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप इसमें गुलाब जल थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। दोस्तों, यदि आपके पास गुलाब जल ना हो तो आप पानी को गुनगुना कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप इसमें देखेंगे गुलाब जल या पानी ऐड करेंगे तो उसके बाद यह वेल मिक्स्ड हो जाएगा। अब आपको इसके अंदर इस्तेमाल करना होगा डाबर का पुदीन हरा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं पुदीने के अंदर कुछ प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके दांतों में से कीड़े को मारने का काम करते हैं। आपकी दाढ़ में जो दर्द होता है वो आपके इसी वजह से होता है, क्योंकि आपकी दाढ़ के अंदर कीड़े पनपने लग जाते हैं जो कि आपके दांत को अंदर ही अंदर खोखला बना देते हैं, तो आपके दांतों में से कीड़े को मारता है। साथ ही साथ जिन लोगों के मुंह से गंदी बदबू आती है यह उसको भी जड़ से खत्म कर देता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, अगर आपके पास डाबर पुदीन हरे की शीशी है तो आपको 1/2 चम्मच यूज करना है। यदि आपके पास डाबर पुदीन हरे का कैप्सूल है तो आपको 2 कैप्सूल यूज करने हैं कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके अंदर से ऑयल निकाल कर उस पेस्ट में डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना क्या है, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। आपको हफ्ते में 2 बार कम से कम इस्तेमाल जरूर करें। अब आपको करना क्या है, जब आपका ये पेस्ट बन जाएगा तब आपको रोजाना सुबह उठकर पानी से कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार से इसको लेना है अपने ब्रश में, और ब्रश में लेने के बाद दोस्तों आपको रोजाना इसी प्रकार से ऐसे कोलगेट करना है। तो दोस्तों, आपको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पेस्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों में जितनी भी गंदगी थी वो सारी दूर हो जाएगी। दांत में से बदबू आती थी, सड़े हुए थे, सब कुछ दूर हो जाएगा कुछ ही मिनटों में। जी हाँ दोस्तों, आपके दांत है जो दूध जैसे मोती जैसे चमकने लगेंगे। तो दोस्तों, ये था आपके लिए आज का नुस्खा। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।